Hi mommies and daddies, welcome back to Momcom India and I wish you all a very happy Diwali. ये recipe Diwali के बाद आ रही है तो मैं opportunity नहीं छोड़ सकती आप लोगों को wish करने का. इस recipe को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत nutritious recipe है, बच्चों बड़ों सबके लिए है, जल्दी से बन जाती है और breakfast में आप इसे देख के एक healthy start of the day कर सकते हो. तो recipe देखिए, like button को ज़रूर hit कर दीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर, उसके बाद आके इसी video पर comment ज़रूर कीजिएगा. ओके गाइज, इस सिंपल सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं. तो यहाँ पे हमने दो एग्स लिए हैं, इनको हमने फ्रिज से निकाल के रखा है. ये है ओट्स का पाउडर जो हमने दो स्पून्स लिया है. बेसिकली एक एग में एक स्पून ओट्स पाउडर चाहिए होगा और ये हमने ओट्स को ड्राई रोस्ट करा और उसके बाद मिक्सी में उसका पाउडर बना लिया. यहाँ पे हमने लिया है बटर और यहाँ हमने लिया है दो चम्मच पानी और यहाँ हमने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट एंड ब्लैक पेपर. तो हमने एक बोल ले लिया, बोल में हम ये ओट्स का पाउडर डाल देते हैं. ओट्स जो है वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा इस पूरी रेसिपी में. एंड यहाँ हमने डाल दिया सॉल्ट, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैक पेपर. आप चाहें तो आप ब्लैक पेपर को अवॉइड भी कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को ब्लैक पेपर खाना अच्छा नहीं लगता बट एक्चुअल में ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे कि हमने सब कुछ मिक्स कर लिया, उसमें थोड़ा सा हम वाटर डाल देंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे. तो आप वाटर डाल दीजिए और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए. ये देखिए, इस तरह से मिक्स करके आपका एक स्मूथ पेस्ट जो है बन जाएगा. अब इसमें एग ब्रेक करके डाल देते हैं. क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप पूरा ही एग बच्चों को दीजिए, क्योंकि जो येलो है उसके भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, वाइट है उसके भी अपने बेनिफिट्स होते हैं. तो पूरा का पूरा एग इस फॉर्म में बच्चे के लिए खाना बहुत अच्छा होता है. तो ये हमने एग्स को डाल लिया, अब हम इसको बीट कर लेंगे. ये जो एग बीटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे आपको टाइम लेना है ताकि जो आपका ओट्स पेस्ट है और जो एग्स हैं वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं. तो थोड़ा यहाँ पे टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, आपका हाथ थकेगा बट जो रिज़ल्ट है वो अच्छा होगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट के आसपास आप इसे अच्छी तरह से बीट कीजिए. तो ये हमारा पैन अब गर्म हो गया है. अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है. इस स्टेज पे हम इसमें बटर डाल देते हैं. आप चाहे तो आप ये रेसिपी ऑयल से भी बना सकते हो. तो ये हमने बटर डाल दिया, बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं. फ्लेम को हमने लो कर दिया, बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है. तो इस स्टेज पे जो हमारा बैटर है वो हम इसमें डाल लेंगे. अब इसको लो पे ही आप पकने दीजिए. तो आप देख सकते हैं ऑमलेट जो है वो फूलना शुरू हो गया है. अब हम फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे, अभी तक फ्लेम लो पे था. थोड़ा सा और वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे. बेसिकली इस प्रोसेस में हम इंश्योर कर रहे हैं कि एग अच्छी तरीके से कुक हो जाए, बिल्कुल अंडर कुक ना रहे एंड ओट्स भी जो हैं वो भी कुक हो जाए. सो अब इसको पलट लेते हैं. तो ये हमने अपने ऑमलेट को पलट लिया. आप देख सकते हो बहुत ही फ्लफ़ी भी लग रहा है ऑमलेट और अच्छा खासा क्वांटिटी भी लग रहा है. ये हमने 2 अंडे यूज़ किए बट आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो एक एग भी बहुत है. हम इसलिए 2 अंडे कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एक फैमिली मील की तरह से खा लेंगे, तो मैं और कबीर साथ में ही इसको खाना एंजॉय करेंगे. बस अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए, एक बार और पलटना है तो पलट के देख लीजिए और अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, बिकॉज आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो ऑमलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पक जाए, बिकॉज उसका फिर जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है. अब आप इसे डाल लीजिए अपनी प्लेट में और ये देखिए आपका ओट्स ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया है. आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसको और हेल्दी करने के लिए, और आप चाहें तो इसी ऑमलेट के साथ थोड़े से फ्रूट सर्व कर सकते हैं, जिससे कि जो ब्रेकफास्ट है होलसम ब्रेकफास्ट बन जाएगा. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर वीकली रेसिपीज़. तो गैस, हमने ये रेसिपी सौरभ को ट्राई करवाई, कबीर को ट्राई करवाई और दोनों को ही ये बहुत अच्छी लगी. बच्चों को जब भी हम कोई चीज़ खिलाते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको हम बहुत न्यूट्रिशियस बना सकें, एक बैलेंस मील के तरह से बना सकें, ताकि बच्चों को एक ही मील में अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाए. इस रेसिपी में हमने कुछ ऐसा ही ट्राई किया बट आप इस रेसिपी को और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अपने बच्चों का टेस्ट. हमने इसमें एग यूज़ किया. एग बच्चों के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है. एग एक बहुत अच्छा सोर्स
सोर्स है प्रोटीन का और साथ साथ आयरन का भी, जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एग में विटामिन डी, ए, ई और कोलिन नाम का एक न्यूट्रिएंट भी बच्चों को मिलता है। कोलिन जो है मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो इस स्टेज पे बच्चों के लिए बहुत ही काम आता है। सो किसी ना किसी तरीके से एग बच्चों को ज़रूर दें। बट इस ऑमलेट का ट्विस्ट ये था कि एग के साथ हमने डाल दिया ओट्स। ओट्स को हेल्दी कार्ब्स में माना जाता है। ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है बॉडी के लिए और ओट्स में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ अगर आप किसी तरीके से इसमें थोड़े वेजिटेबल्स डाल सके तो आपकी जो मील है वो बहुत ही बैलेंस्ड मील बन जाती है और न्यूट्रिशियस बन जाती है। तो आई होप आप इसे ज़रूर बनाएंगे और आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली आपके लिए लाते हैं ईजी बट न्यूट्रिशियस रेसिपीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया। बाय।